वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम धर्मवीर शर्मा और आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ उनके लिए लेके आया हूँ जिनके पास समय कम होता है और एक दिन में एक या दो या तीन प्रोजेक्ट भी आप बनाते हो और अपने समय का यूजफुल आप बेनिफिट लेना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो यूट्यूब के टिप्स एंड ट्रिक्स में आज हम आपको सिखाएंगे कि कैसे हमने अपनी वीडियो को शेड्यूल करना है और प्राइवेट वीडियो का क्या बेनिफिट है जो हम करते हैं, अनलिस्ट का क्या बेनिफिट है और पब्लिक कैसे हम करेंगे शेड्यूल करने के बाद। तो अगर समय कम होता है तो इस फीचर का आप यूट्यूब के का बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, तो यहाँ पे हमने यूट्यूब स्टूडियो ओपन कर लिया है, तो क्रिएट पे प्रेस करेंगे अपलोड वीडियो। जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं तो यहाँ पे आज हम यूट्यूब की वीडियो है शेड्यूल करना सीखेंगे। तो उसके एक बहुत सारे बेनिफिट है कि आप शेड्यूल कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं होता, आपने वीकली प्रोजेक्ट आपने बना लिए हैं, वीडियोस बना लिए हैं और आपने कहीं जाना होता है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसे शेड्यूल करके रख सकते हैं, जो अपने टाइम के अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली वो पब्लिश होती रहेगी। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो इसमें हमने वीडियो को ड्रैग करके अपलोड कर दिया है। तो यहाँ पे अभी ड्यूरिंग टाइम जब तक वीडियो अपलोड हो रही है, इसका हम टैग, अपना टाइटल हो गया, इसके टैग हो गए, डिस्क्रिप्शन होगी जो किसके रिलेटेड हमारी ये वीडियो है, हम इसका थंबल वगैरह सारा सेट इसमें तब तक कर लेंगे साथ के साथ। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो हमने शेड्यूल करना है उसका टाइमिंग हम सेट करेंगे। कैसे हमने शेड्यूल करना है वो सारा मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। उसके अलावा प्राइवेट में क्या रहता है कि आप प्राइवेट कर देते हो तो वो प्राइवेट सिर्फ आप तक ही रहती है, आप उसे प्राइवेट भी कर सकते हो। उसके अलावा आप अनलिस्ट कर सकते हो। अनलिस्ट का बेनिफिट ये रहता है कि आप अनलिस्ट का किसी को लिंक शेयर करोगे, पब्लिक को नहीं दिखेगी, बट जिसको लिंक शेयर करोगे वो अनलिस्ट वीडियो का वो आपका यूट्यूब से सीधा उसे व्यू कर सकता है, तो उसका वो बेनिफिट है। तो यहाँ पे मैंने अभी इसमें कैटेगरी जो बनाई हुई है वो सेलेक्ट करने के बाद, हमने आगे प्लेलिस्ट में सेलेक्ट करने के बाद इसका सारा सेटअप मैंने कर दिया है। तो आप एंड स्क्रीन आप साथ के साथ लगा सकते हो, मैं आपको शॉर्ट में अभी बता रहा हूँ ताकि आप इजीली आप इसे शेड्यूल कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे प्राइवेट है, अनलिस्टेड है और पब्लिक है, तो ऑटोमेटिकली ये पब्लिक हो जाएगी जब इसका जो हमने टाइम दिया होगा। अभी शेड्यूल पे मैंने प्रेस किया है, इसमें डेट सेलेक्ट कर लेंगे कौन सी तारीख को और कितने बजे हमने इसे सेलेक्ट करना है। तो ज़्यादातर मैं 3 o'clock ही वीडियो आफ्टरनून इसे पब्लिश करता हूँ, तो मैंने ये टाइम इसमें सेट कर दिया है। तो टाइम सेट करने के बाद आप सेट एज प्रीमियम भी साथ के साथ कर सकते हैं, बट अभी मैं वो नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ शेड्यूल पे हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने शेड्यूल पे प्रेस कर दिया है, ये टाइम आप देख सकते हैं, ऐसे आप शेड्यूल कर सकते हैं। तो आप देखिए, तो इस टाइम पे ऑटोमेटिकली ये वीडियो पब्लिश हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने अभी इसे कर दिया शेड्यूल, तो ये कुछ सेकंड लेगी वीडियो अपलोड होने में। तो ये वीडियो अभी हमने प्रोसेसिंग में कर दिया है, कुछ सेकंड लेगी। तो यहाँ से अभी आप देखिए, तो ये अपलोड हो रही है, प्रोसेसिंग में है, तो ये अभी मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया, तो ऑटोमेटिकली अब आप पैनल पे देख सकते हैं ये वीडियो अब शेड्यूल हो चुकी है, अपलोड हो चुकी है। तो ऐसे आप भी अपनी वीडियो शेड्यूल कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम शॉर्ट होता है तो आप वीकली इकट्ठे प्रोजेक्ट बनाते हैं या 3 दिन के बनाते हैं या कहीं जाना होता है, तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं ऐसे शेड्यूल करके। तो जैसे कि ये स्टेप बाय स्टेप मैं सारी आपको जानकारी दी है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। और अगर आप भी ऐसी और भी टिप्स एंड ट्रिक्स और एजुकेशन और सॉफ्टवेयर के रिलेटेड वीडियो की जानकारी लेना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।